स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मारुति मैथमेटिक्स। मैं जीएन भाटिया आज आपको मल्टीप्लाई की शॉर्ट ट्रिक्स करवाने वाला हूं, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे बैंक के एग्जाम या किसी भी कोई भी एग्जाम हो तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसका होता है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मार्ट क्या टॉपिक है? मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इसमें क्या है, मैं आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पहले क्या करेंगे हम, जैसे टू डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 24 into 8, फिर थ्री डिजिट्स की मल्टीप्लाई करेंगे 5 to 9 into 12, टू डिजिट से मल्टीप्लाई करनी, और थ्री डिजिट हो अगर 5, 4, 6 इससे मल्टीप्लाई करनी, ये भी सिखाऊंगा मैं आपको। और अगर अगर आपको मतलब इसके लिए आपको पहाड़े याद होने जरूरी है, अगर पहाड़े मान लीजिए हमको पहाड़े नहीं आते तो कैसे करनी है ये, तो आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा सारा। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले एग्जांपल से। ध्यान से देखेंगे, बहुत बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो हम ऐसे जो हम बचपन से करते आ रहे हैं वो एग्जाम वैसे हम नहीं करेंगे। जो मैं आज आपको करवाऊंगा उससे आप जो बचपन से करते आ रहे हैं वो भूल जाएंगे बिल्कुल। आज मैं आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। जैसे आप बचपन में क्या करते थे, ऐसे 24 into 8 लिख लिया तो आप क्या करते थे, 8 चौक इसको मल्टीप्लाई करते थे, फिर 8 ने 16 और 3 बार। हमें ऐसे नहीं करना, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इससे भी आसान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहली एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 56 को 9 से मल्टीप्लाई करनी है। अभी देखिए क्या करेंगे हम, ऐसे तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना हो चुका है, इससे मतलब बहुत टाइम भी लग जाता है अगर बड़ा नंबर आ जाए। अगर छोटा नंबर है तो चलो हो जाता है, अगर बड़ा नंबर आ जाए तो आप मल्टीप्लिकेशन उसमें ही अटक जाते हैं। तो क्या करेंगे, आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो 9 है इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधा। हम 56 से मल्टीप्लाई करेंगे 50। अब इसको क्या मान लेंगे, हम 50 मान लेंगे। अभी 6 को भूल जाइए, क्या हो गया, 9 5 कितना हो गया 45, हमने 50 माना था इसको, ये कितना गया 450। चलिए इसको यह 50 खत्म हो गया। अभी क्या करना है, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 9 6 कितना होता है 54, और ये 54 जो है वो इसके नीचे लिखते हैं, कितना आ गया 504, क्या आंसर आ गया हमारा 504। देखिए कितना सिंपल है, इस ऐसे करने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, पहले 9 को इसको 50 मान लेना, 9 को 50 से मल्टीप्लाई करना, 450 आ गया, और जो 9 6 54 जितना भी लास्ट में मल्टीप्लाई करके आएगा उसको सिंपल ऐड कर देंगे इसमें, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे, अभी टू डिजिट से आ जाए, उससे क्या करेंगे, अभी टू डिजिट के लिए क्या करेंगे, थ्री डिजिट के लिए क्या करेंगे, जैसे 5 to 9 है इसको 12 से मल्टीप्लाई करनी है। अभी पहले मैं आपको ये पहाड़ा जैसे टेबल से करके दिखाता हूँ, अगर टेबल सीधा याद हो तो कैसे करनी है, अगर टेबल ना याद हो तो कैसे करनी है। अभी इस 12 को 529 से करना, क्या करेंगे पहले, फिर वही 12 को इसको 500 मान लेंगे, 12 को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 12 5 कितना होता है 60 आ गया। ये पीछे कितने दो डिजिट्स, कितने पीछे, जितने डिजिट्स पीछे होंगे बस उतनी आपको जीरो लगा देनी है साथ में, तो कितना आ गया 6000 आ गया। अभी ये 5 का खत्म हो गया, अभी क्या 12 2 24 तो क्या है 224 आ गया। अभी 24 के पीछे कितना डिजिट है, एक डिजिट है तो उतनी ही जीरो आ जाएगी, कितना आ गया 240 को इसके नीचे लिख देंगे। अगर 4 डिजिट का होता तो इसके 4 तो ये आता, 24 आता तो इसके नीचे ऐसे लिख देते, जितना मतलब आई जाए आता रहेगा वैसे वैसे हम ऐड करते रहेंगे। तो ये कितना 12 9 कितना होता है 108, ये हमने 108 ऐसे ही लिख दिया, क्योंकि तो देखिए आगे लास्ट में इसके कोई डिजिट नहीं है तो ये ऐसे ही आगे। अभी क्या करना है, सिंपली इसको ऐड कर देंगे, कितना आगे 8 4 2 1 3 ये आगे 6348। देखिए कितना आसान है। अभी वो आप जो मल्टीप्लाई बचपन से करते आ रहे हैं उससे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं ये कैलकुलेशन, बस आपको क्या इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
अभी देखते हैं अगर इसको हमने जैसे पहाड़े से किया, अभी बिना पहाड़े के कैसे करना है अगर टेबल ना आता हो तो क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे हम, जैसे ये 12 दिया हुआ है, हम 12 की जगह पहले इसे 10 मान लेंगे, 10 है, 10 मान लेंगे। तो पहले हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ गया, 5290 आ गया। ठीक है, 5290 आ गया। अभी क्या करना है, 2 रह गया ना पीछे, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो हम साइड पे लिख लेते हैं। क्या आ गया, 2 5 10, पीछे कितने डिजिट्स हैं, 2, तो 2 डिजिट्स लिख ली इसके पीछे। अभी 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 4, 4 और पीछे कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 40 आ गया। और 2 9 कितना होता है, 18, ये 18 आ गया, क्योंकि अभी इसके लास्ट में कोई डिजिट नहीं, इससे सीधा लिख देंगे। क्या आ गया, 8, 4 और 1 5 10, ये कितना आ गया, 10 58। अभी क्या करना है, सिंपली इसको इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ गया आंसर, 8 9 9 और 5 कितना होता है, 14, ये हो गया अपना 6 3 4 8, ये हमारा आंसर आ गया। अभी आप अगर टेबल आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, टेबल से सीधा ही मल्टीप्लाई, अगर नहीं आते तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को करने के बाद आप जो बचपन से करते आ रहे हैं उसे बिल्कुल भूल जाएंगे। चलिए आगे करते हैं, आगे अगर 3 डिजिट्स का हो नंबर तो कैसे करना है, देखिए ध्यान से। अभी जैसे नंबर आ गया 7294, इसको 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए सिंपली वैसे ही इसको 20 मान लेंगे, इसको पहले 20 मान लेते, 3 से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ गया, 2 7 14, 140, पीछे कितने डिजिट्स है, 3, तो उतनी उतनी 0 लगा देंगे। ठीक है, अभी कितना करना है, 20 दूना 40, तो 40 आ गया ये, और पीछे कितने डिजिट्स हैं, 2, तो ये आ गया 40 यहाँ पे। बस जैसे जैसे डिजिट्स आते रहेंगे वैसे उसी के नंबर नीचे नंबर लिखते जाएंगे जो आएगा हमारा आंसर। तो अभी 20 को 9 से कित करना है, तो कितना आ गया, 180 आ गया, 180 180, और पीछे कितना, 1 डिजिट है, तो 0, उतनी 0 आ गई। अभी और 20 चौके कितना होते, 80, तो कितना हो गया, 800 हो गया, नहीं ये कितना हो गया, 80 हो गया, 800 नहीं 80। तो अभी इसको क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देते हैं, 8 4 5 14 5 800। अभी क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे, 3 7 21, पीछे कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, 21,000 आ गया। अभी फिर 3 को मल्टीप्लाई, 3 दुनी 14, 3 दुनी 6, 3 दुनी 6, गलती से बोला गया था मुझसे। अभी आगे देखते हैं, 3 9 27, कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है, 270, और अगर लास्ट में क्या, 3 चौके 12, तो इसको सिंपली ऐड कर देंगे, 7 और 8 6 8, 81882। अभी 21 इसको क्या करना है, इसमें सिंपली ऐड कर देंगे, 21882, 2 8 8 16, 8 8 16 और 1 17, 5 और 6 7, तो 6, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए कितने आसान ट्रिक है, अगर नहीं होता तो ऐसे, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, वैसे आपको दिक्कत आएगी नहीं इससे, इससे आपका क्या होगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा। अभी हम इसको उससे चेक भी करके देख लेते हैं, हमारा आंसर सही था, क्या आंसर आया था हमारा, 16,700 कुछ समथिंग आया था। अभी हम, मैं आपको दूसरी, जैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं वैसे भी करके दिखा देता हूँ कि हमारा आंसर सही था। तो क्या आ गया, 3 चौके 12, 3 9 27 और 1 28, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 7 21, तो 2 चौके 8, 2 9 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 7 14, 8 8 16, 9 8 8 16, 2 1 17, 7। देखिए वीडियो बैक करके देख सकते हैं हमारा आंसर, देखिए बिल्कुल सही आंसर आ रहा है हमारा। अगर इसमें भी आपकी अगर कैलकुलेशन स्पीड हो तो भी तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो उससे बहुत तेजी से कर सकते हैं, तो शर्त कि आपको पहाड़े आने चाहिए उसके लिए।
अगर पहाड़े नहीं आते होंगे फिर आपको सिंगल सिंगल करके करने पड़ेंगे। ये थी हमारी आज की ट्रिक, आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। अगर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो ये थी ट्रिक, चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू।